चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे के बाद जिले के कसरावत रोड पर चौड़ीकरण होने के बाद वाहनों की रफ्तार ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बीती रात लोहारी में घर से किराना सामान लेने निकला एक बुजुर्ग पिकअप वाहन की चपेट में आ गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन भी किया। पुलिस के पहुंचने पर परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। मिली जानकारी अनुसार मुस्लिम समाज में पूर्वजों की याद में कुंडों का त्योहार मनाया जाता है। उसी की तैयारी को लेकर लोहारी निवास अहमद नत्थू सोमवार रात करीब 8:30 बजे घर से निकले। कुछ दूरी पर जाते ही खरगोन से कसरावत की ओर जा रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने और वाहनों की गति पर लगाम के लिए स्पीड ब्रेकर की मांग की है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज हम इसलिए किया है कि ये जो अतिक्रमण है यहाँ पे रोड पे, इसके लिए आए दिन घटनाएं घटती है और शासन और प्रशासन इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। और हम अनेक बार आवेदन दे चुके हैं पंचायत को भी, तहसीलदार साहब को भी और कलेक्टर साहब को भी। आज क्या हादसा हुआ? आज रात को हादसा ये हुआ था कि एक पिकअप वाला स्पीड में एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पे नहीं होने की वजह से स्पीड से आ रही थी अपनी पिकअप, पिकअप ने स्पीड पकड़ के और इमरजेंसी ब्रेक मार के और अहमद अली को ठोक दिया और वजह स्पार्ट हो गया और यहाँ पे खड़ी हुई थी ट्रक। अगर ट्रक नहीं होती तो शायद वो बच जाते हैं। अब की घटना थी ये रात के 8:45 बजे। प्रशासन टी आई साहब आए थे, उनसे सिर्फ मांग ये कही गई थी कि स्पीड ब्रेकर बना दें वो और गवर्नमेंट से जो होता है और अतिक्रमण हटा दे, हमारी और कोई दरख्वास्त नहीं थी। और वो परिवार का मुख्य आदमी था, अब अज्ञात वाहन मार के उसको भाग गया है। अब उसके परिवार का भरण पोषण के लिए हमने मांग की है। नाम क्या था? नाम अहमद खान, यही के निवासी? यही के लोहारी के निवासी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान। घटना हुई थी चक्का जाम कर दिया कल 8:30 बजे की घटना है। गांव के हमारे अहमद चचा जो कल कुंडो का त्योहार था उसका सामान लेने के लिए किराना दुकान पे गए थे, किराना सामान लेकर निकल ही रहे थे, इतने में एक तेज रफ्तार पिकअप आई और उनको ठोक कर अचानक भाग गई, जो हाथ में नहीं आई। ये एक्सीडेंट की घटना दिनों दिन हो रही है, आए दिन होते रहती है। इसका मुख्य कारण यहाँ पर टेपर नहीं होना है। इसके संबंध में हमने संबंधित प्रशासन से, पंचायत से, थाने में, तहसील में, सभी जगह पर आवेदन भी दे दिए हैं, लेकिन इससे हमारी किसी प्रकार की कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और ये पहली घटना नहीं, इसके कुछ महीनों पहले भी कम से कम 10 से 15 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें मौत होने वाली घटना ये पहली घटना है। अब इसको हम सहन नहीं कर सकते। एक तो पार्किंग व्यवस्था जो ये यहाँ के अतिक्रमण के कारण पार्किंग व्यवस्था बिगड़ी है, उसके कारण ये घटनाएं होती है। सबसे बड़ा कारण यहाँ की अतिक्रमण और टेपरों के कारण हुआ है। अगर ये टेपर अगर नहीं बनती है तो हम आगे भी इसके लिए जाएंगे और जो भी हमसे बन सकेगा उस लेवल पर आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी टेपर शाहबाज खान पूर्व सदर ग्राम लोहारे में रात के 9 बजे के लगभग अहमद वल्द नथुक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। और सुबह यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर इन्होंने चक्का जाम भी किया था, उसको बस आपसी सहमति से खुलवा दिया गया। और लोग के आइट साइड में बहुत सड़क जाता है, अतिक्रमण कर रखा है, सड़क का चौड़ीकरण को किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कुछ होटलों के नाम आए सामने के होटल वालों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया, गाड़ियां खड़ी करवा दी जाती जिससे मार्ग पर काफी सकरा हो जाता और हादसे होते रहते हैं। लेकिन कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल, आपका कहना सही है। और 6 महीने पहले भी हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाया था, इनको वापस कर लिया है और इस तरह की शिकायतें मिल रही है। अब अगले हम 248 के तहत जेल की कार्रवाई करेंगे। रमेश सिसोदिया। कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ है, अज्ञात पिकअप वाहन टक्कर मार के गई है, इसमें जो घायल थे उनकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस बात को लेकर के इनका यह था कि स्पीड ब्रेकर यहाँ पे वो लगाए जाए और ये रोड पर कुछ होटल है इनको भी हटाया जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। बहुत से वाहन खड़े रहते हैं जिससे सड़क चोरी होने के बावजूद भी सक्रिय हो जाती है और कई बार हादसे के शिकार लोग हो चुके हैं।
यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की मांग भी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, स्पीड ब्रेकर के लिए जो भी प्रशासनिक माध्यम है उससे बात की गई है, क्योंकि हाईवे है, हर जगह पे तो स्पीड ब्रेकर बनाने का जो नियम है उसी के अनुसार बन पाएगा। और मेरी लगातार जो रोड अथॉरिटी है जो इसके उनके अधिकारियों से चर्चा भी हुई है, स्पीड ब्रेकर भी बनवाए जाएंगे यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।